उप मुख्यमंत्री का फर्जी लेटर पैड लेकर छात्रा पहुंची रोहिलखंड विश्वविद्यालय में एडमिशन। जांच करने पर खुली पोल, आरोपी युवती के खिलाफ जांच। SSP ने किए सारे कागजात जब्त। मामला थाना बारादरी का है। बारादरी थाना क्षेत्र में स्थित रोहिलखंड विश्वविद्यालय में एक युवती उप मुख्यमंत्री का लेटर पैड लेकर पहुंची थी। उसका कहना था इस लेटर पैड के आधार पर उसे एडमिशन दिया जाए। जब उसे लेटर पैड की जाँच की गई तो वह फर्जी पाया गया। मामले की शिकायत रोहिलखंड विश्वविद्यालय प्रशासन ने पुलिस अधिकारियों से की है। जांच कर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाने की बात कही जा रही है। थाना बारादरी के अंतर्गत एक तहरीर विश्वविद्यालय प्रशासन से प्राप्त हुई है, जिसमें ये बताया गया है कि एक छात्रा के द्वारा डिप्टी सीएम साहब का जो एक फर्जी लेटर पैड बनाकर एक संस्तुति की गई थी, जिसमें उनको प्रवेश दिलाने के लिए जो कुलपति हैं उनके नाम ये प्रार्थना पत्र और जो लेटर पैड है वो दिया गया था। इसके आधार पर जब ये जाँच विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा की गई तो ये पाया गया कि जो लेटर पैड है वो फर्जी है, और उसके आधार पर उनके द्वारा एक पत्र जो है वो पुलिस को दिया गया, जिसमें ये बताया गया कि फर्जी लेटर पैड के माध्यम से प्रवेश कराने का पता चला है, जिसमें पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है और संबंधित जो भी छानबीन है, जो भी दस्तावेज है, उनको अपने कब्जे में ले लिया गया। उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। रामगंगा के चौबारी घाट पर लगने वाले ऐतिहासिक कार्तिक मेले का शुभारंभ सोमवार को जिलाधिकारी ने भूमि पूजन के साथ किया। मेले के आयोजकों को लेकर रविवार से ही दिनभर चौबारी घाट पर तैयारियां चलती रहीं। मेला आयोजन के चलते जाम न लगे इसको देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन भी जारी कर दिया। कार्तिक मेले का आयोजन इस बार 22 नवम्बर तक किया जाएगा। इसका उद्घाटन जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने व SSP रोहित सिंह सजवाण ने किया। 19 नवम्बर को कार्तिक पूर्णिमा पर मुख्य स्नान का आयोजन किया जाएगा। सबसे अधिक भीड़ इस दिन उमड़ने की उम्मीद है। कार्तिक मेले में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान को उमड़ते हैं। इस दौरान रामगंगा नदी के तटों पर ठेले खोमचे वालों के साथ बच्चों के लिए अलग अलग तरह के झूले भी लगाए गए हैं। घाट पर पर्व के दौरान पशुओं का बाजार भी सजता है। दूर दराज से लोग अपने पशुओं की खरीदी बिक्री के लिए लेकर आते हैं। स्नान के लिए रामगंगा के तट पर आने वाले लोग अस्थायी टेंट बनाकर कई दिन तक यहाँ रहते हैं। इस दौरान घुड़दौड़ी की विभिन्न प्रतियोगिताएँ भी की जाती हैं। चौबारी मेले का दिन में उद्घाटन भी कर दिया गया है। अभी मेला लगभग 1 सप्ताह चलता है। 18 बजे से काफी धर्म और जाति से ऊपर उठकर विकास किया जाएगा। आज बहेड़ी के मोहल्ला जाजूनागर में सपा नेता व संभावित प्रत्याशी नसीम अहमद को नगर बहेड़ी के जाजूनागर वार्ड 01 में स्वागत रूपी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया, जहां पर लोगों ने सपा नेता नसीम अहमद का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। अगर नहीं दोगे तो 2022 में हम आपसे वोट करूंगा, इसका बदला जरूर लेंगे, इसका इजहार देंगे। यहाँ
भारतीय जनता पार्टी के अगर आरएसएस के लोग हैं तो झाझू नगर में उनसे बताना कि आपके प्रधानमंत्री जी ने यही वादे करे थे कि 200 रुपए का खाने का तेल 100 रुपए के करीब पेट्रोल पार हो चुका था, डीजल पार हो चुका था, आज रसोई का गैस का दाम आपने हमें सिलेंडर तो दे दिया, जो भरा हुआ सिलेंडर मिला था उसकी कीमत 900 रुपए थी और आज केवल गैस भरवाने जा रहे हैं तो 942 रुपए आपको गैस का दाम चुकाना पड़ रहा है। एक तरफ ये किसानों की महंगाई की बात थी, दूसरी तरफ ये जो अभी बाढ़ आई, मेरे दोस्तों दौरा करा है बाकानी, हमीपुर, परेला, कितने गांव ऐसे थे, रसूलपुर, गौटिया, किशनपुर, फुलनिया, रतपुरा, हरनपुर, आपके उरई खान साहब, दोस्तों आंखों में से आंसू आ जाते हैं, लोगों ने सर्दी शुरू होने वाली है और उनके सर का जो है छप्पर और उनकी झोपड़ी गिर चुकी है।